हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्जाम कंपटीशन। दोस्तों, हम बात करेंगे एसएससी जीडी जो 2018-19 का फॉर्म भरा गया था। और दोस्तों, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच में। और दोस्तों, मैं इसकी कट ऑफ बताऊंगा स्टेज वाइज, और कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन जितने नंबर बढ़े हैं आपको सब साथ में मिलेगा। अगर आप इतने नंबर होते हैं तो आप फिजिकल पे लग जाओ, और गारंटी है अगर फिजिकल क्वालीफाई अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो फिजिकल क्वालीफाई करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए, हम आपको बताते हैं क्या कट ऑफ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को कम कट ऑफ जो रहेंगे जिस स्टेट के, वो कट ऑफ पहले बताने वाला हूँ, जनरल ओबीसी एससी एसटी। दोस्तों, मैं पहले सबसे पहले ये बता दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 62% लोग एग्ज़ाम दिए हैं और 42% लोग अब्सेंट हैं। तो आप मतलब कि आपका 30 लाख जो है कि आप एग्ज़ाम दिए थे, और 30 लाख लोगों में मतलब कि उनको बुलाया जाएगा, वो आपकी जो मेरिट है वो बढ़ गई है, तो 58 हो गया है। तो आपको फिजिकल के लिए 6 लाख 10 गुना बुलाया जाएगा, तो 6 लाख हो रहे हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप 6 लाख में आप सोचेंगे कि कैसे क्वालिफाई होंगे। दोस्तों, इसमें देखिए फिजिकल में कितने लोग छट जाएंगे। फिजिकल मान लीजिए 6 लाख में अगर आपको 6 लाख बुलाते हैं, 6 लाख में अगर फिजिकल में 40% घटा देंगे आप, तो आपका आ जाएगा रेशियो जो कि मतलब कि 3-3 के करीब आ जाएगा। वो दोस्तों मान लीजिए 2,50,000 आ रहा है 40%, और 2,50,000 में आप अगर वो लोग फिजिकल दे रहे हैं, फिजिकल देने के बाद क्वालिफाई हो रहे हैं, तो उनको देखिए मेरिट जो होता है एसएससी जीडी का मेडिकल जो होता है वो बहुत टफ होता है, तो इसमें मान लीजिए छट जाएंगे, और आपका ये भी हो सकता है सेकेंड मेरिट निकल जाता है। चलिए, आपको दिखाते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि कम कट ऑफ जाने वाले राज्य कौन से हैं। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादर एंड नगर, दमन एवं दीव, गोवा, केरला, इन सब जो कट ऑफ है जनरल की आप मान सकते हैं 42, और ओबीसी का मान सकते हैं आप 38, और वहीं एससी का मान सकते हैं आप 35 मान सकते हैं, और एसटी भी 35 मान सकते हैं, 32-35 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों, ये जो 5 राज्य मैंने बताए हैं, इसको कट ऑफ 42, 38, 35 और 32-35 के बीच में एसटी का रहेगा। और दोस्तों, मैं और बता रहा हूँ जो हाई कट ऑफ जाने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कम कट ऑफ जाने वाली है लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडुचेरी, सिक्किम, यहाँ के भी जो कट ऑफ कम जाएगी। तो यहाँ पे भी मान सकते हैं आप 42, 42, 38, 35 और 33 और 35 के बीच में एसटी का रहेगा। दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको, इन राज्यों का कट ऑफ जो है बहुत कम रहने वाला है, कि आपका 40-42 अगर आपका मतलब कि 38 नंबर भी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में आपका 42 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हर नॉर्मलाइजेशन में आपके कट मतलब कि नंबर बढ़ेंगे, 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हाई कट ऑफ वाली बात करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हाई कट ऑफ जाने वाले राज्य जो हैं वो देखिए हरियाणा है। हरियाणा में अगर आपका 65 नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में, और ओबीसी में वही बात करते हैं, ओबीसी में अगर आपका 60 नंबर है तो हो सकता है आपका हो जाएगा, और 55 नंबर एसटी में, एससी में, और 50 नंबर एसटी में। वहीं राजस्थान की बात भी करेंगे तो राजस्थान का भी हाई कट ऑफ जाता है। तो अब इस बार मान लें कि आपका 65 के ऊपर 70 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपका भी 65 यहाँ से मान सकते हैं, और यहाँ से 64 मान सकते हैं ओबीसी का, और एससी का मान सकते हैं यहाँ पे 60, और एसटी का मान सकते हैं 58। और दोस्तों, बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का जो कट ऑफ जा सकता है वहाँ पे, पंजाब का 68 चला जाएगा, और ओबीसी का चला जाएगा 64, और 60 चला जाएगा एससी का, और 58 जाएगा एसटी का। और वहीं पे दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ का देखा जा सकता है दिल्ली का 68, 65 ओबीसी, और जनरल का 64, यहाँ मेरिट कुछ हाई जा सकती है, और 60 एसटी का। अब वहीं बात करते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश का।
दोस्तों देखिए यूपी का कट ऑफ है जो कि पिछली बार 77 गया था, और ये इस बार जो है कि आपका 70 जाएगा यूपी का कट ऑफ, और जो है कि आपका 65 रह जाएगा ओबीसी का, और एसटी का आपका रह जाएगा, एससी का रह जाएगा 60, और एसटी का जो है कि 55 ये कट ऑफ रहेगा यूपी उत्तर प्रदेश का। और वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में कुछ हाई कट ऑफ नहीं जाती है, तो आप मान सकते हैं 60 रहेगा जनरल का, ओबीसी का मान सकते हैं 58, एससी का मान सकते हैं 55, और 52 मान सकते हैं एसटी का। दोस्तों मैं बात करूंगा जो मीडियम क्लास है, यहाँ पे हाई लिख गया है, यहाँ पर मीडियम क्लास में जो मतलब कि जो जाएगा कुछ हाई नहीं जाएगा, यहाँ पे एमपी का जा सकता है कुछ हाई, बाकी ये सब झारखंड है, झारखंड अगर आपका 52 नंबर आ रहा है इसमें वो जनरल में, ओबीसी में आ रहा है आपका 50, और 48 नंबर आ रहा है अगर आपका एससी में, और एसटी में 45 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं गुजरात की, वहीं गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की भी कुछ हाई मेरिट नहीं आती है, अगर यहाँ पे आपका 50 नंबर जनरल में है और ओबीसी में आपका 48 है, और एसटी में 46, एससी में 46, और एसटी में आपका 40 नंबर है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वहीं पर एमपी की बात करते हैं, अब अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ मेरिट कुछ हाई जा सकती है, यहाँ पर मान सकते हैं आप 65 जनरल, 60 ओबीसी, 58 एससी, और एसटी का 55, यहाँ पे कुछ हाई मिल जाएगी। वही हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, दोस्तों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जम्मू, महाराष्ट्र इन सब की मेरिट सेम सेम रहेगी, अगर आप चाहें तो पिछली बार दे सकते हैं कि इन सब की मेरिट सेम सेम रही है, एक ही जैसी रही है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं जनरल का जो जाएगा कुछ हाई मेरिट नहीं जाने वाली है, यहाँ पे 55 रहेगा जनरल का, ओबीसी का रहेगा आपका 52, और एससी का आपका रहेगा 48, और एसटी का आपका रहेगा 45, ये कट ऑफ जाने वाली है इन चार राज्यों की। दोस्तों यहाँ देखिए बिहार छूट गया था, जो कि बिहार की बिहारी मेरिट जाती है, बिहार का चला जाएगा आपका ऐसा कि 67 नंबर पर रहेगा बिहार का जनरल का, और आपका 64 पर रहेगा ओबीसी का, और एससी का रहेगा आपका 58, और एसटी का रहेगा 55। तो दोस्तों ये हो गया, और बाकी ये चार राज्य हैं। दोस्तों ये देखिए असम का है, असम का कोई हाई मेरिट नहीं आती है, अगर यहाँ पे 45 आ रहा है आपका जनरल में, ओबीसी में आपका 43 आ रहा है, और एससी में आपका 40 आ रहा है, 38 अगर आपका आ रहा है एसटी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, यहाँ भी कुछ हाई मेरिट नहीं आती है, छत्तीसगढ़ का कट ऑफ देखे जा सकता है ये आपका, अगर आप 48 जनरल में हैं, ओबीसी जो है कि 44 मान लेते हैं, और एसटी जो है कि 40, और 38 एसटी, अगर आपका इतना नंबर छत्तीसगढ़ से है बिलोंग करते हैं, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपको चांस है। ये देखिए कट ऑफ मैं चंडीगढ़ का बताने जा रहा हूँ, चंडीगढ़ की कट ऑफ हाई जाती है, चंडीगढ़ में देखिए चंडीगढ़ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जो आपका जनरल का जाएगा वो 58 जाएगा, और 54 जाएगा आपका ओबीसी से, और एससी 48 जाएगा, और एसटी से 45 जाएगा। अब लास्ट में बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश की, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के कट ऑफ कुछ हाई जितनी जाने लगे मीडियम क्लास में रहेंगे, जैसे कि मान सकते हैं कि आपका 52 रहेगा जनरल, 48 ओबीसी, 44 एससी, 40 एसटी। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने सारे स्टेट के कट ऑफ मैंने बता दिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।